टिंग टोंग। मम्मी कोई बाहर आया है। अरे आ रही हूँ, जाओ जाके दरवाजा खोलो पहले। कौन? और चिंकू कितने की हाल है? आ जाओ आंटी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आ जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ जाओ आंटी आ जाओ। और मम्मी का की हाल है? मम्मी भी ठीक है आंटी, तुझे बहुत अच्छे अच्छे बैठे चलो। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा चिंकू पता है मम्मी कितने का डाटे? आंटी वो ना मम्मी ना पैसे पैसे नहीं ओ मम्मी आ रहे ने। अच्छा 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 अच्छा। चिंकू वाज अबाउट टू रिवील सम सीक्रेट्स बट हर मदर विंग्ड एट हर। ऐसे कैसे हुआ? बस हो गया, उसके बाद मुझे भी पता नहीं चला कैसे हो। ये फुटवेयर इट्स सो कूल। डोंट सी विद एविल आई ना समझ ना। प्लीज आई डोंट सी विद एविल आई बट आई रियली वांट दिस फुटवेयर। अच्छी है ना? इज इट इट इज सो गुड है ना? यस इट इज सो गुड। सो फ्रॉम वेयर डू यू गेट इट? हां मैं ये नहीं बताऊंगी बट यू डोंट सी विद एविल आई। मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। मत बता देना। देखो मेरी नजर बुरी तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आई डोंट सी विद एविल आई। आई डोंट सी विद एविल आई। ओके फाइन। अरे रुचिका मेरे लिए एक कप चाय तो बना जरा, चाय का टाइम हो गया है। अरे मिस्टर शर्मा ने तो बड़ी अच्छी फोटो लगाई है। वाह एक तो मम्मी को लग जाती है। मम्मी मैं नहीं आ रही, मैं नहीं चाय बना रही, आप खुद बना लो। मैं नेहा के घर जा रही हूँ। अच्छा क्या करने जा रही है इस टाइम पे उसके घर पे? अरे यार मम्मी कल मेरा एग्जाम है, मैं नोट लेने जा रही हूँ नेहा के यहाँ। अच्छा मम्मा व्हाई डू यू ऑलवेज रेज योर आईब्रो? ये क्या बार बार आप अपने आईब्रो ऊपर करते रहते हो? नेहा के घर ही तो जा रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा नहीं करती, 7 बज रहे हैं, 7:30 तक घर पे वापस आ जाना, तेरे पापा आने वाले 8 बजे, पता है ना तुझे? ये देखो सीम्स टू गुड। हाँ यार कितना अच्छा है ये। रुक रुक एक लाइक तो बनता है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी पता नहीं आज मेरे साथ क्या बुरा होने वाला है। क्यों क्यों हो गया? अरे मेरी ये मेरी आँख फड़क रही है। फड़क रही है? आपकी आँख फड़क रही है? मेरी आँख फड़क रही है, मेरी आँख फड़क नहीं सकती। अच्छा बात पूछूं आपसे? हाँ बिल्कुल। ये आँख फड़क रही है इंग्लिश में क्या कहते हैं? आँख फड़क फड़कने को इंग्लिश में बोलते हैं द आई इज ट्विचिंग। द आई इज ट्विचिंग। ओके क्लास, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि कल मैंने आपको टेस्ट स्टडी करने के लिए बोला था, सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 10 मिनट्स जल्दी से उसे रिवाइज करने एंड देन गिव यू रिटन टेस्ट। ओके मैम। आपका जो टाइमिंग होगा वो 8 AM से लेके 6 PM तक होगा। हाँ मैम
सुबह 8 से 6 बजे तक ज्यादा नहीं हो गया? मैम मैं तो उठती 10 बजे हूँ। मैम ऊपर से 5:30 बजे तो मेरी डांस क्लास होती है, वो कैसे करूंगी मैं फिर? आप ऐसा करो मैम 12 बजे कर लो टाइम, 12 से 4 बजे तक मैं आ जाया करूंगी, ये ठीक रहेगा मैम, ऐसे करते हैं हम, ठीक है? ऐसा ठीक है मैम, मेरे से नहीं उठा जाएगा सुबह 10 बजे, प्लीज मैम। ओके चलो ठीक है, फिर आपको बाथरूम में ले लिया जाएगा। ओके सो वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल आपने ज्वाइन करना है, ये जो आपने बाल खोल रखे हैं ये खुले नहीं चलेंगे, यू हैव टू टाई योर हेयर, इसको बन में बना के आना है अपने हेयर को। एंड अदर थिंग इज दैट कि ये आपको कैजुअल वेयर में यहाँ पे नहीं आना, इनफॉर्मल में नहीं आना, बल्कि फॉर्मल ड्रेस में आपने यहाँ पे आना है, विच इंक्लूड्स पैंट्स एंड शर्ट्स। एंड एज यू गो आउट मेरे सेक्रेटरी बाहर बैठे होंगे, वो आपको सब कुछ शेयर करवा देंगे कि आपको कौन सा ड्रेस कोड किस तरीके से पहनना है। मैम क्या बन? मैम मेरे इतने अच्छे बाल हैं, अगर मैं बन में टाई करूंगी तो खराब हो जाएंगे ये सारे। और मैम जो आपने ड्रेस कोड बोली पैंट और शर्ट, वो कैसे पहनूंगी मैं? मैम मैं पैंट शर्ट पहनूंगी, वो भी पूरा एक हफ्ता एक ही पैंट शर्ट पहनूंगी, तो मैम मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि शायद मेरे पास कपड़े नहीं है, अब मैं क्या करूँ? मैं नहीं पहनने वाली मैम पैंट शर्ट। आप ऐसा करो कि मैम मुझे कैजुअल, मुझे अकेली को कैजुअल अलाउ कर दो मैडम। आप ऐसा करें, आप पहनेंगे ठीक है, आपसे जॉब तो होगी नहीं, आप ये रेज्यूमे ले जाएं एंड आप कहीं और ट्राई करें। नहीं मैम मैं करूंगी मैम, प्लीज एक चांस मैम, आप सेशन आपसे हो गई नहीं, ये काम आपके लायक ही नहीं है, आप कहीं और ट्राई करें, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैम मैं टाइमिंग का बोल रही मैम, नो टाइमिंग का कुछ भी नहीं होगा, प्लीज फ्रेश हो मैम, आई गो गेट आउट ऑफ माय साइट। अरे ये क्या बन के आए हो, बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहे आप। सुंदरता ना देखने वाले की आंखों में होती है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। क्लास वी आर मेकिंग सम नोट्स अबाउट साइंस सब्जेक्ट, ओके सो राइट डाउन चैप्टर नंबर 4, व्हाट इज द बायोलॉजी? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ। Biology is a study of life. आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर आप चाहते हैं कि
हम ऐसी वीडियोस और बनाए जिससे कि आपको एंटरटेनमेंट भी मिले और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले. एंड बिकॉज यू नो कॉमेंट्स ऑलवेज अप्रिशिएट अस एंड ऑलवेज अर्ग अस टू डू मोर एंड मोर एफर्ट्स फॉर यू. सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय. बाय बाय.